हेलो एंड वेलकम दोस्तों, रिफाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये ब्रिज क्या होता है। इसके बारे में हर एक वो डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं इस वीडियो के थ्रू डिलीवर करने की कोशिश करने वाला हूं। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअलाइज ब्रिज किस तरीके से। सी, यहां पे आपका जो है ब्रिज है और कुछ इस तरीके से जो है होस्ट कनेक्टेड है। ओके, लाइक दिस। यहां पे भी होस्ट कनेक्टेड है इन दिस वे। लेट्स से ए बी सी 1 2 3 लाइक दीज। अभी ए बी सी 1 2 3 लेट्स अज्यूम दैट दीज आर द मैक एड्रेसेस ऑफ दीज रिस्पेक्टिव होस्ट विच आर कनेक्टेड इन दिस रिस्पेक्टिव वे। अब यहां पे सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो ब्रिज है ये किन लेयर्स पे ऑपरेट कर रहा है। यहां पे आपको कौन कौन से लेयर्स देखने को मिल जाएंगे जब हम ब्रिज की बात कर रहे हैं। तो यहां पे आपको फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। हाँ, दिस इज नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग। अभी तक हमने जो देखा केबल हो गया भाई साहब, फिर अपना रिपीटर हो गया, हब हो गया, उसमें अपन यू नो फिजिकल लेयर के ऊपर बढ़ ही नहीं रहे थे, फिजिकल लेयर के आगे कुछ देख ही नहीं रहे थे। लेकिन यहां पे अभी दिख रहा है कुछ, ब्रिज में आपको डीएलएल देखने को मिल जाएगा, दैट इज डेटा लिंक लेयर देखने को मिल जाएगा। और डेटा लिंक लेयर देखने को मिल जाएगा मतलब यहां पे मैक एड्रेस भी आप एक्शन में आ गया है। मैक एड्रेस भी, इस टर्म को भी यहां पे हम लोग अभी देख सकते हैं इन द ब्रिज। तो यहां पे उसी से रिलेटेड एक टेबल भी होता है जो आपका ब्रिज के पास एक मैपिंग टेबल होता है, यू कैन से। वो टेबल कुछ इस फॉर्म में होता है। सी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट टेबल आई एम नाउ शोइंग यू, जिसके अंदर मैक एड्रेस होता है और जो सेकंड है उसमें आपका पोर्ट या फिर इंटरफेस कह सकते हो, पोर्ट कह सकते हो, इंटरफेस। अब यहां पे इस ब्रिज को दो इंटरफेस या दो पोर्ट है। लेट्स से दिस इज अ इंटरफेस ए, इंटरफेस बी। पोर्ट कहो, इंटरफेस कहो, ठीक है। तो यहां पे हम कैसे करते हैं, जैसे कि अभी ये ब्रिज है तो ये ए है, बी है, सी है। ये किस पोर्ट को अटैच्ड है आपके ब्रिज के, ए से। तो ये पोर्ट आपका ए है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। सो पोर्ट ए से आपके होस्ट जो है यहां पे कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोग आते हैं 1 2 3। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ए बी सी 1 2 3 दीज आर द मैक एड्रेसेस ऑफ द रिस्पेक्टिव होस्ट। तो ये किस पर्टिकुलर पोर्ट या इंटरफेस को कनेक्टेड है, बी। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है आपका ये टेबल होता है। और ये टेबल बड़े काम की चीज है जब आपका ब्रिज ऑपरेट करता है। और ब्रिज जब ऑपरेट करता है तो इसकी जो एक स्टार क्वालिटी है, स्टार फीचर है, वो है फिल्टरिंग, जो कि अभी इससे पहले आपको हब में, रिपीटर में, किसी में भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ब्रिज में आपको फिल्टरिंग ये प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। लेट्स कंसिडर सिचुएशन जहां पे ए जो है, हमारा होस्ट ए जो है, वो सी को कुछ डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है। तो वो ट्रांसमिशन शुरू करता है कुछ इस तरीके से, और ट्रांसमिशन कंडक्ट करता है, और सी जो है उसे वो अपना डेटा जो है पर्टिकुलर ए ने जो भेजा था वो मिल जाता है। लेकिन अभी इस सिचुएशन में जो ब्रिज है उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा नोटिस करने जैसा है, क्योंकि अगर इस जगह पे हम लोग रिपीटर को रख देते, ओके, या फिर हब को रख देते, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज सिंपली ये जो भी ट्रांसमिशन आ रहा है वन एंड से उसे दूसरे एंड पे फ्लड कर देना। मतलब यहां से जो ट्रांसमिशन आया है वो उसे इस पर्टिकुलर लाइन पे भी फ्लड कर देते, या फिर एक तरीके से फॉरवर्ड कर देते। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। लेकिन ब्रिज ऐसा नहीं करता, बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा, अननेसेसरी ट्रैफिक इंक्रीज होगा। बिकॉज यहां पे जो भी ट्रांसमिशन बना था वो सी के लिए बना था जो कि सेम लैंड को बिलोंग करता है। तो ये ब्रिज क्या करता है, इस टेबल का यूज करता है और देखता है कि सोर्स मैक एड्रेस जो है वो ए है, जो कि आपका पोर्ट ए को बिलोंग करता है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सी है, जो पोर्ट ए को बिलोंग करता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि दोनों एक ही साइड में, मतलब दोनों एक ही लैंड को बिलोंग करते हैं। सो देयर इज नो नीड टू फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन ऑन टू द अदर लैंड। इस वजह से क्या होगा, अननेसेसरली ट्रैफिक बढ़ेगा, जो कि यहां पे इस केस में आपका ब्रिज बढ़ने नहीं देता और यहां पे इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन को रोक देता है, यानी कि वो फिल्टर भी कर पा रहा है। दिस इज द स्टार क्वालिटी ऑफ योर ब्रिज, दैट इज फिल्टरिंग। ओके, जिस वजह से आपका जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल में रहता है, जो कि हब और रिपीटर के केस में नहीं था पॉसिबल। ओके, तो ये आपको एक स्टार क्वालिटी यहां देखने को मिल जाएगी। एक और है, वो फॉरवर्ड भी करता है। यस, फॉरवर्ड भी करता है। मान लो अगर ए जो है वो थ्री को कुछ भेजना चाहता है, डेटा भेजना चाहता है, तो वो यही ट्रांसमिशन कंडक्ट करता है और बी फिर उनका मैक एड्रेस जो है वो कंसिडर करता है, बिकॉज वो डीएलएल पे ऑपरेट कर रहा है। तो वो देखता है मैक एड्रेस क्या है, तो वो देखता है कि भैया ए जो सोर्स मैक एड्रेस है वो पोर्ट ए को बिलोंग करता है और जो मेरा
एक तरीके से डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो 3 है वो पोर्ट बी को बिलोंग करता है। इसका सिंपल सा मतलब वो ब्रिज समझ जाता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन को मुझे इस पोर्ट से उस पोर्ट में फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपका डेस्टिनेशन है वो पोर्ट बी पे प्रेजेंट है और सोर्स जो है वो पोर्ट ए पे प्रेजेंट है, सो देयर मस्ट बी अ फॉरवर्डिंग डन। तो वो क्या करता है, इस ट्रांसमिशन को फॉरवर्ड करता है और 3 जो है वो उसे उस पर्टिकुलर डेटा को रिसीव करता है। तो फिल्टरिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा और फॉरवर्डिंग भी आपको एक तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो भाई अभी सवाल दिमाग में ये उठता है मेरे कि आखिरकार ये जो ब्रिज है इसे कैसे पता चल रहा है कि हाउ इट इज एबल टू लर्न कि ये जो होस्ट है ये पोर्ट ए से कनेक्टेड है, ये होस्ट जो है पोर्ट बी से कनेक्टेड, ये आखिर पता कैसे चल रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से ये जो होस्ट है जिसका मैक एड्रेस ए है वो इस होस्ट को विद मैक एड्रेस 1 कुछ डेटा पैकेट सेंड करना चाहता है, तो वो डेटा पैकेट जो है वो सेंड करता है ओके, और ब्रिज देख लेता है। अब ये जो ब्रिज है ये डेटा लिंक लेयर पे भी ऑपरेट करता है, तो ये मैक एड्रेस देख लेता है कि भैया पैकेट कहां से आ रहा है, मैक एड्रेस क्या है, ए है, तो वो मैक एड्रेस ए तुरंत यहां पे नोट डाउन कर लेता है और कहां पे पोर्ट ए, तो वो पोर्ट ए भी नोट डाउन कर लेता है। आई होप इस तरीके से जो है वो प्रोसेस जो है आपके इस ब्रिज टेबल को या मैपिंग टेबल को फिलअप करने की, कंस्ट्रक्ट करने की प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, द लर्निंग प्रोसेस ओके। और ये डायनेमिक नेचर है। अब यहां पे क्या होता है, ये जो आपका पर्टिकुलर होस्ट है जिसका मैक एड्रेस 2 है, मान लो ये कुछ डेटा पैकेट सेंड करना चाहता है आपके होस्ट विथ मैक एड्रेस ए को, तो ब्रिज देख लेता है मैक एड्रेस क्या है भैया जहां से आ रहा पैकेट वो है 2, तो वो 2 लिख लेता है, और पोर्ट क्या है भाई, पोर्ट जो है वो बी है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इस तरीके से जो है आपका वो ब्रिज टेबल कंस्ट्रक्ट होता है, फिलअप होता है, और उसको पता चलता है, इट लर्न्स कि भैया कहां से कौन से होस्ट जो है वो किस पोर्ट को कनेक्टेड है। एक और चीज जो है वो एक डिसएडवांटेज पॉइंट है एक्चुअली, वो ये है कि जो आपका ये ब्रिज है, अगर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि ये एक आपका पर्टिकुलर एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, इस तरीके से कुछ है, और इन दोनों का जो MTU है वो अलग अलग है, MTU जो है वो अलग अलग है, इसका MTU लेट से 500 है और इसका MTU लेट से 200 है, समझ में आ रहा है ना, दैट इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है वो अलग अलग है दोनों MTU की। तो इस केस में ब्रिज आप यूज नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहां पे दोनों के MTU अलग अलग है, तो जब भी कोई डेटा ट्रांसमिशन होगा, जब भी कोई डेटा ट्रांसमिशन यहां पे होने वाला है, तो उस केस में, उस सिचुएशन में फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है, समझ में आ रहा है ना, फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है। दैट इज मतलब अगर मान लो ये 500 वाला है, तो अगर यहां से कोई 500 बाइट वाला मेरा डेटाग्राम अगर ट्रैवल कर रहा है यहां पे तो कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन कहां कैरी आउट किया जाता है, नेटवर्क लेयर पे, और यहां पे आपके ब्रिज के पास फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर ही है सिर्फ, बस और कुछ नहीं है। तो यहां पे फ्रेगमेंटेशन आपका ब्रिज नहीं कर पाएगा, इसीलिए ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशन में ब्रिज को हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ब्रिज फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन नेटवर्क लेयर पे होता है और आपका ब्रिज के पास नेटवर्क लेयर नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, ब्रिज के बारे में जो भी मैंने आपको इंटरेस्टिंग जानकारियां दी वो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।